राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दूर में कार्यक्रम बता दें, सुबह 10:45 पर राष्ट्रपति राजभवन में वृक्षारोपण करेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे महामहिम। तो बता दें आपको कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दूसरा और अंतिम दिन है उत्तराखंड में, और आज सुबह 10:45 पर राजभवन में वृक्षारोपण करेंगे राष्ट्रपति, उसके बाद फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति। तो बता दें आपको कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर थे, जहां कल विधानसभा को उन्होंने संबोधित किया, तो वहीं आज सुबह 10:45 पर राजभवन में वृक्षारोपण करेंगे महामहिम, और उसके बाद फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति। तो आज राष्ट्रपति के दौरे का अंतिम और आखिरी दिन है। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देवभूमि आए और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड के विशेष विधानसभा के सत्र को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड की अहमियत का नक्शा खींचा और कहा कि चारधाम, हेमकुंड साहिब, पिरान, कलियर और हरिद्वार का जिक्र भी अपने संबोधन के दौरान किया। वहीं आस्था और संवेदनाओं की नजर से उत्तराखंड विशाल है, राष्ट्रपति ने कहा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास का लीडर रहा है उत्तराखंड, अतीत के चिपको सरीखे आंदोलन करते हैं तस्दीक। इसके साथ ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आपदा के खौफ से उबरने पर खुशी भी जताई। उन्होंने कहा कि 2013 की आपदा के बाद चारधाम यात्रा शुरू होना बेहद ही सराहनीय है और तमाम दुश्वारों के बावजूद जीडीपी का लगातार बढ़ना भी सुखद है। उन्होंने कहा कि मुझे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला है, नारायण दत्त तिवारी और हरीश रावत के साथ संसद के अनुभव उन्होंने बांटे। इसके साथ ही भुवन चंद्र खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा का भी जिक्र अपने संबोधन के दौरान किया। ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तराखंड, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ देम इन वेरियस कैपेसिटीज in parliament, starting from Narendra Tiwari to Harish Chandra Rawat, in between Major General Khanduri, Nishank and Ajit Bahuguna. All of them I had the privilege of working with in various capacities. Some of the most sacred places of India are located in Uttarakhand. The Chardham Yatra, encompassing Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath, occupies a cherished place in the heart of most of Indians. That the Chardham Yatra has begun on time this year and is attracting people in large numbers. I am also happy that the Assembly has been united in its deliberations on how to face extraordinary situations like natural disasters. I congratulate you. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पहले विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सदन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के उत्तराखंड की विधानसभा के संबोधित करने को महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बताया, तो सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को केदारनाथ यात्रा और गंगा आरती में भी शामिल होने का निमंत्रण दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सभी को साथ लेकर चलना जरूरी है, विपक्षी विधायकों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं उनके उस संबोधन से बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड तेजी से तरक्की करते हुए राज्यों में से है, अपने छोटे आकार और बहुत सारी विविधताओं और बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद राज्य अच्छा कर रहा है, और हम वादा करते हैं कि हम और अच्छा करेंगे। देश के सबसे संवैधानिक ऊंचे पद पर आसीन माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने हमको संबोधित किया है, और ये बहुत ही हम सब के लिए गौरवान्वित विषय है, और मैं समझता हूँ इसका लाभ निश्चित रूप से प्रदेश के जनप्रतिनिधि को मिलेगा। संबोधन बहुत ही उत्साहवर्धक था और इस सरकार के आंख खोलने के लिए बहुत अच्छा संबोधन था। चार धामों के बाद अब पंच केदारों में के चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट आज 8 बजे खोल दिए जाएंगे, और रविवार को भगवान रुद्रनाथ की जल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ से पनार बुग्याल होते हुए सोमवार को रुद्रनाथ पहुंचेगी। अब से 5 माह तक भगवान रुद्रनाथ की नित्य पूजाएं रुद्रनाथ मंदिर में होंगी। भगवान रुद्रनाथ मंदिर जहां प्राकृतिक सुंदरता के बीच पहाड़ों की गोद में स्थित है, तो वही एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां भगवान शिव के मुख दर्शन किए जा सकते हैं, और देश विदेश से श्रद्धालु विकट परिस्थितियों और कठिन रास्तों से होते हुए भगवान रुद्रनाथ पहुंचते हैं और भगवान रुद्रनाथ का आशीर्वाद लेते हैं।
गुजरात जी के शीतकालीन गद्यशैली गोपीनाथ में है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से 7 महीने रुद्रनाथ जी की जो डोली है वो यहीं पे रहती है, विराजमान रहते हैं, और यहीं पे श्रद्धालुओं के लिए भगवान रुद्रनाथ के दर्शन होते हैं। और रविवार को भगवान जो रुद्रनाथ की चल विग्रह जो डोली है वो रुद्रनाथ के लिए रवाना हुई। और रुद्रनाथ जी जो शिव का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव के मुख दर्शन होते हैं। और मंगलवार को सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए रुद्रनाथ मंदिर में रुद्रनाथ जी के कपाट खोल दिए जाएंगे और 5 माह तक श्रद्धालु भगवान रुद्रनाथ के मुख दर्शन कर पाएंगे। सुरेंद्र रावत, समाचार प्लस, चमोली। उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में जरूर आया मगर यहां की स्थानीय बोली आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसे बचाने के लिए आवाज तो जरूर उठी मगर किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकी। गढ़वाली कुमाऊनी बोलियां विलुप्त होने की कगार पर हैं क्योंकि जो इसके जानकार हैं वो पश्चिमी सभ्यता के रंग में लगे हैं और अपनी मिट्टी की खुशबू से दूर होते जा रहे हैं। तो रही सही कसर पहाड़ से होता पलायन पूरी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों को संसार से विलुप्त होती जा रही करीब 400 बोलियों की श्रेणी में रखा गया है। पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को अपने दामन में समेटे इन बोलियों पर मंडराता खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हम सब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईश्वर से जब भाषाओं का विश्लेषण किया, सारी देश और दुनिया से लगभग 400 भाषाएं विलुप्त हो गई हैं। सरकार को ऐसी भाषाओं का संरक्षण करना ही चाहिए। यूं तो 1940 के दशक से दोनों बोलियों को बचाने के लिए आवाज उठने लगी थी लेकिन इस बात ने जोर पकड़ा साल 1970 से 78 के बाद, जब सदन के भीतर भी सांसद इसकी पैरवी करते नजर आए। वहीं जानकारों की माने तो अगर समय रहते इस दिशा में नहीं सोचा गया तो हम अपनी बोलियों को समाज से खो डालेंगे। वैसे भी गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों की एक परंपरा है, वो बच्चे को हिंदी से शुरू, अगर और प्रगतिशील हैं तो अंग्रेजी सिखाने से शुरू करते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमारे बच्चे भी हमारी तरह गढ़वाली बोलें, कुमाऊनी बोलें, तो हम ऐसे ही गांवों के गंवार माने जाएंगे। ये जो है ये सबसे बड़ा कारण है जो इन भाषाओं की विलुप्ति में अपनी भूमिका निभा रहा है। हम लोगों का उत्तराखंडी होने के नाते बहुत पुराना प्रयास है और ये बिल्कुल बखूबी होना चाहिए क्योंकि जब तक हम जो है अपनी भाषा, जो भी हमारी जो बोलियां हैं उनको भाषा में परिवर्तित नहीं करेंगे, इसको एक भाषा का दर्जा नहीं देंगे, तब तक हम अपने क्षेत्र में मतलब किसी भी विषय में अपने क्षेत्र की मतलब अग्रिम पंक्ति में उसको खड़ा नहीं कर सकते हैं। कुमाऊं और गढ़वाली बोलने वाले की संख्या दिन ब दिन घटती ही जा रही है। बचाने की कोशिशें तो हो रही हैं मगर मुकाम तक नहीं पहुंच रही क्योंकि बिन लोगों के साथ आए बिना सोच बदले अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को दूर नहीं किया जा सकता। बोली बचाओ भाषा बनाओ की बात पर उत्तराखंड का जन सैलाब उमड़ने लगा है। आम से लेकर खास तक सभी की यही मांग है कि गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों को 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार भी इनके संरक्षण की दिशा में काम करेगी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको विलुप्त होती बोलियों में शामिल किया है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून, समाचार प्लस। विकासखंड कपकोट के कर्मी ग्राम सभा के लोग सरकार से खफा हैं। इन गांव में लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कपकोट का दुर्गम क्षेत्र कर्मी गांव प्रथम चरण का अटल आदर्श ग्राम होने के बावजूद भी आज तक अटल आवास, इंदिरा आवास, पंडित दीनदयाल के तहत बनने वाले आवास आज तक यहां लोगों को नहीं मिल पाए हैं। यहां के ग्राम प्रधान का कहना है कि क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों का गांव के लोगों के प्रति सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि डीएम कहते हैं कि इन सभी योजनाओं के तहत बनने वाले आवास का जिले में बहुत कम कोटा है। इसके बारे में मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भेजा जाएगा कि कितनी सत्यता है। एक तो आवास योजनाओं में थी, कई बरसों से लोग बाग आवासों के लिए चिल्ला रहे हैं और आवास है कि आ ही नहीं रहे हैं क्षेत्रों में। अब न जाने गांव देश से ही नहीं आ रहे हैं या हमारे जिले से नहीं आ रहे हैं, हमें पता नहीं, लेकिन आवास योजनाएं बिल्कुल शून्य चल रही हैं क्षेत्र में। देखिए ये उनको ब्लॉक स्तर से जानकारी उन्हें लेनी चाहिए और दीनदयाल वाले तो बहुत कम कोटा है उसका, जनपद में बहुत कम आते हैं, 10 से भी कम मकान आते हैं साल में। और इंदिरा आवास में तो आप जानते हैं सीधे लाभार्थी के अकाउंट में पैसा जाता है, तो अब उनकी स्पेसिफिक समस्या थी उसको मैं अलग से सीडीओ को लिख रहा हूँ कि वो दिखवा ले उसमें कितनी सख्ती है उसमें और अगर गलती है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा।
टिहरी सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह अपने संसदीय क्षेत्र में गैस एजेंसी का उद्घाटन किया। इसके बाद राजलक्ष्मी शाह नई टिहरी पहुंची, जहां वो बीजेपी की बैठक में शामिल हुई। सांसद राजलक्ष्मी शाह ने कहा कि टिहरी बांध की झील से गांव में भू धसाव हो रहा है, ये एक गंभीर समस्या है। इस मुद्दे पर वो संसद में पुरजोर तरीके से उठाएंगी और इस मुद्दे को लेकर पीएम से भी बात की जाएगी। हर बात बोलने के लिए समय हमको नहीं मिलता है, हमको नहीं चंद बाय चंद आता है, हमने देखा ही है दूसरे इसके लिए हमने हमेशा प्रयास किया है और अभी भी करे थे और आगे भी करेंगे। पुत्र जीवक बीज वाले मामले पर बढ़ता हुआ विवाद, बाबा रामदेव का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बार केंद्र की सरकार ने जांच बिठाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रामदेव की दवा की जांच गंभीरता से होगी या फिर पहले की तरह ही जांच औपचारिकता मात्र ही रहेगी। बाबा रामदेव को अब जांच के जलजले से बचना होगा, क्योंकि पुत्र जीवक बीज वाले विवाद पर केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को आदेश दिए कि बनाओ कमेटी, करो जांच कि वाकई में कुछ गड़बड़ है या सब ऑल इज वेल है। कौन नहीं जानता कि बाबा नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, बीजेपी में उनकी अच्छी पैठ है, लोकसभा चुनाव के वक्त वो प्रचार प्रसार में भी जुटे थे। ये जांच कमेटी ठीक उसी तरह लगती है जैसे खुद से परीक्षा दे देना और खुद से कॉपी चेक कर लेना मुख्यमंत्री खुद से सामने आए। जो बड़े संतों का मामला होता है तो हम काहे के लिए उसमें फंसे, हम तो छोटे कारिंदे हैं। ये संत को भी नमस्ते, दिल्ली वाले संत को भी नमस्ते, उन्होंने कहा जांच करो ये गड़बड़ है तो हम जांच कर दे रहे हैं। शासन ने एक सदस्यीय कमेटी बनाई है, इन तीन सदस्यों की समिति को ये निर्देशित किया गया है कि वो शीघ्रातिशीघ्र एक सप्ताह में ही जांच कर अपनी आख्या निदेशक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी उसमें जांच आख्या आएगी उसे केंद्र सरकार को भी प्रेषित किया जाएगा। बाबा रामदेव के अंदर व्यापार को समझने और चलाने की एक गजब की समझ है। ये अलग बात है कि उसी समझ के फेर में बाबा तब फंस गए जब पुत्र जीवक बीज के नाम से उन्होंने एक बुटी को बाजार में लॉन्च कर दिया। हंगामा मचना तय था, मचा भी, विरोधियों ने सड़क से लेकर संसद तक हंगामा खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आह्वान किया है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार ने जिस ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उसकी फार्मेसी से ये मिल रहा है और ये मैंने खुद खरीदा है। इस चीज का नाम है प्रधानमंत्री के विचारों का ठीक से। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार हमेशा से बाबा पर नजर बनाए हुई है, लेकिन आज तक कुछ खास नहीं हो पाया। इसीलिए किशोर उपाध्याय को लग रहा है कि लगे हाथ संपत्ति की भी जांच हो ही जाए तो ज्यादा अच्छा। 2000 से ज्यादा करोड़ का एक साम्राज्य खड़ा करना वो एक बड़ा भारी जो है वो सवाल है कि कहाँ से जो है इतना पैसा आया है। तो उनके जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सब की मेरे विचार से जांच होनी चाहिए। यदि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा किसी की जांच इत्यादि में तो यहाँ तो कई जांचें अपेक्षित, इसलिए मैंने गड़े मुद्दे खोजने के बजाय जो है मैं समझ रहा हूँ जो बंजर खेत है उसको खोदूं। इधर बीजेपी पहले से ही बाबा को क्लीन चीट देते दिख रही है। सुरेश जोशी की माने तो बाबा सिर्फ हर मामले में साफ नहीं है बल्कि देश हित में काम कर रहे हैं। रामदेव जी जो काम कर रहे हैं या रामदेव जी की फार्मेसी जो काम कर रही है वो देश हित में कर रही है, राष्ट्र हित में कर रही है, और उनका जितना भी काम है वो बिल्कुल साफ सुथरा काम है। इसलिए उसमें जांच होती भी है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई उसमें विशेष फर्क पड़ने की मुझे स्थिति दिखती नहीं है। बाबा रामदेव की दवाई पर जांच की तलवार लटक गई है। केंद्र सरकार ने बाबा रामदेव की पुत्र जीवक बीज दवाई पर जांच बैठाई है, लेकिन जांच की निष्पक्षता कितनी होगी इसी पर सवाल खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि बाबा रामदेव के मोदी सरकार से जैसे संबंध हैं उससे तो ऐसा लगता है कहीं ये जांच मात्र औपचारिकता बनकर ना रह जाए। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस।
पुत्र जीवक बीज मामले पर बढ़ते सियासी विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव ने सफाई दी है। योग गुरु के मुताबिक जिस पुत्र जीवक बीज दवा को लेकर विवाद हो रहा है उसका मतलब बेटा पैदा करने से नहीं है, इसका उनके पास लाइसेंस है, कानूनी तरीके से वो इस दवा को बेच रहे हैं। हमारी किस दवाई में खामी है? पुत्र जीवक का लड़का या लड़की से कोई संबंध नहीं है, नाम रख करके उसके गुण धर्म के ऊपर टिप्पणी करना ये अज्ञानता से प्रेरित है। श्रीनगर के जन संगठनों ने एक मंच पर जन मुद्दों के लिए लड़ने का मन बना लिया है। अखिल भारतीय लोकमंच के तहत सभी संगठन एकजुट होकर श्रीनगर में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और जमीन के लिए एकजुट होकर एक मंच के माध्यम से सरकार प्रशासन से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मंच ने श्रीनगर की विभिन्न समस्याओं, जन संघर्षों के लिए महापंचायत और धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। मंच की प्रथम बैठक में जल संकट के लिए 23 मार्च को श्रीनगर में आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई है। स्थितियों से उत्तराखंड गुजर रहा है, ये शहर ही नहीं पूरा राज्य जिन अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है, स्वास्थ्य के सवाल को लेकर के आप ले परिवहन, खाद्य आपूर्ति, वितरण, जो भी सवाल हैं उनको लेकर तमाम अव्यवस्थाओं से जो है जनता रूबरू है। और उसके लिए लगता है कि जैसे उत्तराखंड राज्य का आंदोलन संयुक्त रूप से लड़ा गया था वैसा ही हम संयुक्त रूप से सारी आंदोलनकारी शक्तियाँ जो अलग अलग मुद्दों पर लड़ रही हैं एक साथ आकर लड़े, तो हो सकता है कि उत्तराखंड राज्य की जो मूल अवधारणा थी जिसको लेकर के राज्य लड़ा गया था और राज्य बना भी था उस पर राज्य बन सके। चंपावत जिला प्रशासन की ओर से पाटी तहसील के दूरस्त रीठा साहिब में आयोजित किए गए बहुउद्देश्य जनसुविधा शिविर की फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ी और इस मौके पर रीठा साहिब गुरुद्वारा परिसर में विभिन्न विभागों की ओर से विकास प्रदर्शनी लगाई और राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही राजस्व विभाग की ओर से स्थायी, जाति, आय आदि प्रमाण पत्र भी तत्काल मौके पर जारी किए गए। विकास विभाग की ओर से ग्रामीणों को परिवार रजिस्टर की नकल जारी करने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा शिविर लगाकर मरीजों का परीक्षण किया गया और सभी मरीजों को दवाएं वितरित की गयी। वहीं सीटीओ की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में पहुंचे विधायक पूरन सिंह पपत्रियाल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। विधायक ने कहा कि जल्द ही सभी उच्चीकृत विद्यालयों के साथ ही अन्य स्कूलों में भी शिक्षकों की मानक के अनुसार तैनाती की जाएगी। और ये भीमराड़ा में नहीं है, पूरे प्रदेश में अभी मैंने 9-12 इंटर कॉलेज और जो हाई स्कूल भी अपने विधानसभा में उच्चीकरण कराए हैं उसमें हर स्कूल में 9-9 पद भी सर्जित है। अभी जो एलटी वालों ने परीक्षा वगैरह में दी है और प्रवक्ताओं के पद है, अगस्त के माह में यहाँ पर टीचर की पूरी व्यवस्था जितनी हो सके होने वाली है। मैंने सड़क परिवहन एवं सुरक्षा अधिनियम के धरातल पर आने के बाद आरटीओ कार्यालय में दलालों से उपभोक्ताओं का निजात मिल सकेगी। इस अधिनियम के तहत जल्द ही आरटीओ कार्यालयों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी जिसके तहत उपभोक्ताओं को परमिट, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में ऑनलाइन सुविधा मिलने लगेगी। साथ ही विभाग में पारदर्शिता आएगी जिसमें उपभोक्ताओं को दलालों के चंगुल से निजात मिल पाएगी। वहीं नए एक्ट के साथ केंद्र और राज्य स्तर पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और फोर्स का गठन किया जाएगा जिसकी वजह से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। सड़क परिवहन एवं सुरक्षा अधिनियम है, नया अधिनियम जो दोनों सदनों से लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो चुका है। तो अभी जब ये अधिनियम बन जाएगा, इसका नोटिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, इसके पश्चात इसके नियम बनेंगे। नियमावली के बनने के पश्चात यह स्पष्ट हो पाएगा पूरी तरह से कि किस प्रकार के परिवर्तन होंगे इसके माध्यम से। और जब इसकी जो भी तिथि निश्चित की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा कि उस तिथि से प्रभावी होगा तो उसके अनुसार यहाँ पर भी परिवर्तन होंगे और कार्य किया जाएगा। उधर खटीमा में तहसीलदार के स्थायी नियुक्ति नहीं होने से सीमांत क्षेत्र की जनता को प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 माह से जहां खटीमा तहसील में कोई भी स्थायी तहसीलदार नियुक्त नहीं किया गया है तो वहीं लोगों द्वारा कई बार स्थायी तहसीलदार नियुक्त करने की मांग के बावजूद भी शासन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छात्र छात्राओं और लोगों को तहसीलदार की स्थायी नियुक्ति के नहीं होने से हो रही परेशानी के मद्देनजर शासन से जल्द खटीमा तहसील को स्थायी तहसीलदार देने की मांग कर रहे हैं।
सोमवती अमावस्या के पवित्र स्नान पर श्रद्धालुओं ने धर्मनगरी में आस्था की डुबकी लगाई। तड़के सुबह से लोग हर की पौड़ी समेत गंगा के घाटों पर स्नान कर रहे हैं। लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु की भीड़ भी सभी गंगा घाट पर दिखी। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद अपने पितरों को तर्पण कर पूजा पाठ कर रहे हैं। दरअसल सोमवती अमावस्या के मौके पर गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। तो वहीं स्नान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। पूरा मेला क्षेत्र को 12 जोन और 35 सेक्टर में बांटा गया। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। सोमवती मैया का स्नान करने के लिए पधारे हैं और इसमें सोमवती मैया में जो है स्नान करने से पितरों को सभी को शांति प्राप्त होती है, अपने सभी पूर्वजों के लिए शांति, अपने लिए सुख समृद्धि। आज सोमवती अमावस्या का स्नान करके बड़ा मंत्रमुग्ध हुआ, मेरा ही नहीं असंख्य उन व्यक्तियों का जो माता के चरणों में श्रद्धा रखते हैं, यहाँ आए हैं। बड़ा एक विचित्र यहाँ एक समा बंधा हुआ है। प्रदेश भर में चल रही जगदीश शिला डोली यात्रा अल्मोड़ा से रानीखेत को रवाना हो गई। इससे पहले यात्रा को नंदा देवी मंदिर से बाजार घुमाया गया। यात्रा अपने अगले पड़ाव की ओर रवाना हो गई। इस यात्रा का मकसद प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा और प्रदेश के तीर्थस्थलों को धाम से जोड़ने का प्रयास है, जिसके लिए जगदीश शिला यात्रा को पूरे प्रदेश के 13 जनपदों में घुमाया जाता है, जो 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।